Hello, my dear lovely students. I'm Prakshi Chaturvedi. Welcome all of you to this beautiful platform of Fun Academy 11-12 Live Daily. तो पहले तो यार आई होप कि सारे के सारे बच्चे मुझे बहुत अच्छे से देख सकते हैं और मेरी आवाज को बहुत अच्छे से सुन सकते हैं, राइट गाइज एंड गर्ल्स? तो अगर बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, अगर मेरी आवाज को बहुत अच्छे से सुन पा रहे हो तो जल्दी से बता दो मेरे सारे के सारे टॉपर्स. Hi guys, so I can see Swapnil is here, I can see Anju is here, I can see future Dr. Sahil is here, Sahil is here, Manu is here. Lincoln is here, Meenal is here, Aisha is here, Danish is here and Shashank is here. Well done, bachcho. Hi Pramod, hi Danish, hi Vishal, hi Saroj, hi Sonali, Anamika, Manu Kumar, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? Asma, Harshit, Shashank, Danish, Himanshu, oh my god, so many lovely students. Aisha, Mantesh, Malika, hi guys and girls. हेलो टॉपर्स, आगे मेरे सारे टॉपर्स रॉक करने के लिए क्लास 11 को है. हमने प्रॉमिस किया था यार, गाइस आप लोग देख पा रहे हो, आप लोगों का स्ट्रेंथ देखो एक बार. पहले सारे के सारे बच्चे, अपन सब ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था, आपने प्राक्षी हमको और प्राक्षी मैम ने आपको, कि हम लोग सब साथ में 3 दिन में एनिमल किंगडम कर लेंगे. मतलब जो कभी नहीं हो सकता वो हमने कर दिया. कैन यू ऑल सी, वी हैव ऑल टुगेदर डन द अनडूएबल. वो चीज तो आधे ज्यादा लोगों को इतनी डिफिकल्ट लगती है कि हो ही नहीं सकती, हम सब लोगों ने साथ में कर दिखाया. ठीक है, सो इट इज बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स, ऑफ कोर्स इट इज एग्जैक्टली एंड ओनली बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स. ठीक है, आप लोगों ने जो मेहनत करी ना और आप लोगों ने जो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करी उसकी वजह से हुआ है ये कि आज हम सारे के सारे बच्चे कंप्लीट करने वाले हैं. बेटा मैं आप में भी पढ़ाती हूँ, मैं आपको बताऊंगी मेरी आपकी क्लासेस के बारे में भी. ठीक है बच्चे, खुद को और प्राक्षी मैम को कि हम सब कंप्लीट करेंगे एनिमल किंगडम 3 दिनों में. और आज हम लास्ट सेशन पे आ गए जहाँ हमें बस वर्टेब्रेट्स को पढ़ना है. और वर्टेब्रेट्स तो बहुत आसान होते हैं, फ्रॉग यार हमारे सामने उछलता है, कुत्ता मिल जाता है, छिपकली या लिजर्ड हमारे घर में दीवार पे घूमती हुई मिल जाती है. मतलब ये तो बहुत आसान चीज है. ठीक है, सो रेप्टाइल्स, फ्रॉग्स, एम्फीबियंस, उसके बाद मैमल्स. अपने खुद के बारे में हमको क्या नहीं पता, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो आपको नहीं पता अपनी बॉडी के बारे में. सो दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर इजी सेशन, हर एक बच्चा हर एक क्वेश्चन को यू जवाब दे पाएगा, मुझे पक्का पता है. ठीक है गाइस एंड गर्ल्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है बच्चों, फिलहाल क्लास स्टार्ट करते हैं. श्रेयांश थैंक यू सो मच, माय बर्थडे इज टुमारो, दो बच्चे, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच. ऑलराइट बच्चों, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले तो जो भी नए बच्चे आए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना और बेल आइकन नहीं दबाया, बच्चों फटाफट जाओ. लिंकन, पहले दो सेशन भी एक ही घंटे का, इनफैक्ट पहला सेशन तो आई थिंक आधे घंटे का है, 40 मिनट्स का. आपको जो देखने वाला पार्ट है केवल 30 मिनट्स का ही है क्योंकि लास्ट में तो क्विज हुई थी. तो पहला सेशन 1 घंटे का और कल वाला सेशन ऑलमोस्ट 1 घंटे का क्विज को हटा के, तो 1.5 घंटे का है. और आज का 1 घंटे का सेशन, 3 घंटे से भी कम में एनिमल किंगडम किया है. 2.5 घंटों में एनिमल किंगडम कहाँ होता है, केवल यहीं पे होता है. ठीक है, ओके आयशा बच्चे. तो जितने भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा पहले तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो. यार इतने सारे बच्चे क्लास में नजर आ रहे हैं, सारे के सारे फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दो ताकि मैम को भी लगे कि यार सारे बच्चे आए हैं मेरे. ठीक है, मेरे सारे के सारे टॉपर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अपनी प्रेजेंस दिखाओ और फटाफट से वीडियो को लाइक करो. ठीक है बच्चों, अब मैं अपने बारे में बता देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नए हैं. So, hi guys and girls, my name is Dr. Prakshi Chaturvedi. बच्चों, I have completed my bachelor's in physiotherapy और आप जैसे बच्चों को पढ़ाते हुए मुझे 3 से ज्यादा साल हो गए हैं. ठीक है, मैंने selections दिए हैं in the best medical colleges of the country like AFMC, KGMC, AIIMS and many more. बहुत सारे बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया, you'll be shocked to know, but they have all completed, they have all gotten selected into great medical colleges. और मैं जब पता है 10th में थी ना तो मैंने CBSE टॉप किया था. ठीक है, तो जितने ही बच्चों का ड्रीम है ना यहाँ पे कि मैम हमको तो टॉपर बन के निकलना है आपकी क्लास से, तो टॉपर तो आज सारी से बन जाओगे सारे के सारे बच्चे. थैंक यू सो मच सोनाली, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द बर्थडे विशेस. बट माय बर्थडे इज टुमारो बच्चों, इट्स टुमारो, ठीक है, कल है मेरा बर्थडे. थैंक यू सो मच फॉर सच लवली विशेस, बट यस इट्स टुमारो. आयशा, यस आई एम अ डॉक्टर, ओके. हाय फातिमा, तो ओके थैंक यू एनीवे, इट्स टुमारो, आई ऑलरेडी फील लाइक अ स्टार. बट ठीक है चलो, ओके सो दैट इज इट अबाउट मी. टेलीग्राम चैनल सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना, पिछले 2 क्लासेस के पीडीएफ मैं यहाँ पे भेज चुकी हूँ, आज की क्लास का भी पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगा. ठीक है, उसके अलावा इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं भी मिल जाऊंगी. सो व्हेनेवर यू हैव सम प्रॉब्लम, अगर आपको कोई क्लासेस के स्केड्यूल के बारे में दिक्कत है, मैम आपका क्लास कब होता है हमको पता नहीं, वैसे तो सबको बता देती हूँ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को शाम को 5 बजे तो यूट्यूब पे होता है मेरा क्लास, और हर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रात में 9 बजे मेरा फ्री सेशन होता है अन अकेडमी पे. इट्स अ फ्री सेशन,
इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ा दी ऑलरेडी बच्चों को, ठीक है। फ्री क्लासेस है, आप सब देख सकते हो। फ्री में भी हम आपको मौका दे रहे हैं पढ़ने का, क्योंकि बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। फ्री पेड तो बहुत बात की बात है, अगर आप पढ़ने वाले हो तो आप फ्री में भी पढ़ सकते हो फिलहाल, ठीक है। सो वी हैव गिवन फ्री क्लासेस ऑल्सो एट 9 PM। फ्री सेशन है आज रात में भी, और आज रात हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉग। Tonight we'll be studying frog. Thank you so much, Bachu. That's so sweet of each one of you. Thank you so much, guys. Okay. Now let's talk about one thing. यार अब मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे बच्चे टॉपर्स हैं, मेरे बच्चे टॉपर्स हैं। टॉपर कैसे बनेंगे यार अपन? मैं honestly बता रही हूँ, केवल YouTube पे देख के तो यार टॉपर नहीं बन सकते ना मैम। आप लाइव क्लासेस यहाँ पर भी देते हो, तो हम अनअकैडमी प्लस पे क्यों है? क्योंकि अनअकैडमी प्लस पे मैं आपके साथ बहुत 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 ज्यादा इंटरेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। आई कैन इंटरेक्ट मच 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 मोर विद यू ओवर देयर। मैं आप पे वहां से वहां पर आपके साथ काफी ज्यादा इंटरेक्ट कर सकती हूँ, जो मैं भी चाहती हूँ आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनना, ठीक है। वहां पे अभी मैं आपको बताती हूँ आज की क्लास में क्या होगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आप सारे के सारे बच्चे उन क्वेश्चन के आंसर दोगे, ठीक है। इमेजिन अगर आपको उस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए रैंक भी मिले। यहाँ पे मैं बस आपका नाम लूंगी, वहां पर आपको रैंक मिलती है। आप देखते हो बाकी बच्चों के कंपेरिजन में आप कितने बढ़िया हो, सो दैट इज अ ग्रेट थिंग। टेस्ट सीरीज और एनालिसिस होते हैं बच्चों कंटिन्यूस, जहां पे आपका बार बार टेस्ट होता रहता है कि आपको कितना बढ़िया आता है कितना बढ़िया नहीं आता। और मेरा फेवरेट सेशन होता है, हर 3 सेशन के बाद एक लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। वहां कुछ नहीं होता, आप बैठते हो, प्राक्षी मैम बैठती है, साथ में बैठ के बात करते हैं, ठीक है। बच्चों की जिंदगी में जो भी डाउट्स है, जो भी चीजें आपको समझ नहीं आ रही, हर एक चीज जो बायोलॉजी में समझ नहीं आ रही, हम साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं। सो दैट इज अ क्वाइट ग्रेट थिंग बच्चों, ठीक है, बहुत ही बढ़िया चीज है। तो आ जाओ सारे के सारे बच्चे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लो। प्लस सेक्शन में जाओ, 11th में हो तो 11th सेलेक्ट करना, आई थिंक मैक्सिमम बच्चे 11th में होंगे, एंड देन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। बहुत सारे प्लान होते हैं, 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस। आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हो, मुझे लगता है 12 महीने का प्लान बेटर रहता है, क्योंकि उसमें आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलता है। याद रखना बच्चों, पीसी लाइव कोड यूज करना है, प्राक्षी चतुर्वेदी मैम का कोड, पीसी मैम का कोड, पीसी लाइव, ठीक है। तो मेक श्योर ऑल ऑफ यू कीप यूजिंग द कोड हर जगह, चाहे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना हो, चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना हो, चाहे फ्री क्लासेस एड्रेस करनी हो, तो भी करना है। आप सब पीसी लाइव कोड के साथ कर सकते हो, फ्री क्लासेस भी मिल सकती है आपको इसी कोड के साथ, ठीक है बच्चों। सो मेक श्योर ऑल ऑफ यू यूज दिस कोड पीसी लाइव, ठीक है बच्चों। चल अब बहुत बातें हो गई मैम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैम हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं वर्टेब्रेट्स को पढ़ने का, ठीक है। आज 3rd सेशन है, यस बच्चे, ठीक है। सो आज फाइनल सेशन है इस सेशन, इस चैप्टर का। आज आपको पता है हम पूरा एनिमल किंगडम खत्म करके जाएंगे। जब आज हम खत्म करके जाएंगे क्लास, तो हमारा पूरा का पूरा एनिमल किंगडम खत्म हो चुका होगा। कैन यू इमेजिन बेटा, द कोड इज पीसी लाइव, प्राक्षी चतुर्वेदी लाइव, ठीक है बच्चे। इट इज पीसी लाइव, प्राक्षी चतुर्वेदी मैम, प्राक्षी चतुर्वेदी लाइव, ठीक है। आई होप एवरीबडी हैज दिस एनिमल किंगडम टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे के सारे बच्चे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मुझे हटा देना स्क्रीनशॉट में से, मेक श्योर यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल, क्योंकि आपके इनवर्टेब्रेट्स को याद करने के लिए इससे बढ़िया टेबल नहीं, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट टेबल दैट आई कुड फाइंड फॉर यू, द बेस्ट टेबल दैट आई कुड मेक फॉर यू। सो मेक श्योर यू ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट। आज वर्टेब्रेट्स करना है, आज वर्टेब्रेट्स करने वाले हैं बच्चों हम, ठीक है। टुडे विल बी डूइंग वर्टेब्रेट्स एंड ये दो टेबल्स है, ठीक है। ऑफ कोर्स पूरी एक ही टेबल का पार्ट है, बट इवेंचुअली यू हैव 2 टेबल्स, तो ले लो सारे के सारे बच्चे, मेक श्योर ऑल ऑफ यू टेक इट एंड, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। राइट बच्चे, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो एनिमल किंगडम क्रैक कर देते हैं, लेट्स क्रैक वर्टेब्रेट्स टुडे। आज के सेशन का हमारा टॉपिक है मैम, आज हम सब वर्टेब्रेट्स क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है। वर्टेब्रेट्स को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको वो कैरेक्टर्स पता होने चाहिए जो हर वर्टेब्रेट में, ठीक है बेटा। वर्टेब्रेट्स के अंदर क्लासेस डिसाइडेड हैं, डिवाइडेड हैं, और उन क्लासेस के अंदर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं ये आपको आना चाहिए अगर आप वर्टेब्रेट्स को क्रैक करना चाहते हो, ठीक है। सो इफ यू वॉन्ट टू क्रैक वर्टेब्रेट्स, यू शुड नो अबाउट ऑल दीज कैरेक्टर्स। सबसे पहला कैरेक्टर्स आप देखना, आपकी बॉडी के कैरेक्टर्स नजर आएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। ब्रेन इज एनक्लोज्ड विद अ क्रेनियम, ब्रेन बच्चों इज एनक्लोज्ड विद अ क्रेनियम। आपके ब्रेन के बाहर डब्बा होता है, आपको पता है व्हाट इज क्रेनियम? क्रेनियम को मैं बुलाती हूँ ब्रेन का डब्बा, ठीक है, क्योंकि व्हाट इज क्रेनियम? इट इज कॉल्ड एज ब्रेन बॉक्स। क्रेनियम क्या होता है बच्चों? ब्रेन बॉक्स होता है, आपके ब्रेन को जो बोन्स कवर कर रही होती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज क्रेनियम, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रेन बॉक्स, हर वर्टेब्रेट के पास ब्रेन बॉक्स होता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड होती है एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही, हम सबके पास एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी एम्ब्रियोनिक पीरियड में बच्चों हमारे। आज हम सबके पास एक वर्टेब्रल कॉलम है, आई होप सारे बच्चों को पता है वी ऑल हैव वर्टेब्रल कॉलम। कोई बच्चा ये तो नहीं बोलेगा मैम नोटोकॉर्ड नहीं, जब आप एम्ब्रियोनल स्टेज में थे, जब आप डेवलप हो रहे थे बच्चों, तब आपके पास जरूर एक नोटोकॉर्ड थी, अब आपके पास नहीं है, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट,
ये कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों, है ना। और हम लोग बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रेट यानी वो लोग जिनके अंदर ये कॉर्डेट नोटोकॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। वर्टेब्रेट्स आर वो वेंट्रल मस्कुलर हार्ट। अब यार एक बात बताओ, आपका दिल कहाँ है? वेयर इज योर हार्ट? मैम बायोलॉजी की बुक में है, सच में। ओके, सो वेयर एग्जैक्टली इज योर हार्ट बच्चों, कहाँ है आपका दिल? आपका दिल प्रेजेंट होता है ऑन द वेंट्रल साइड। दिस इज द वेंट्रल साइड, पीछे वाला साइड डॉर्सल साइड होता है, ठीक है। दिस साइड ऑफ योर बॉडी इज योर वेंट्रल साइड, और ये जो पीछे वाला साइड होता है बच्चों, ये होता है आपका डॉर्सल साइड, ठीक है। सो वर्टेब्रेट्स का जो हार्ट होता है, आपको पता है आपका हार्ट मसल का बना होता है? यू गाइज नो योर हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल, दैट इज कार्डियक मसल। तो वर्टेब्रेट्स जितने भी होते हैं बच्चों, सबका हार्ट वेंट्रल होता है, मतलब वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा और मसल्स का बना होगा। क्या ये बात हर एक बच्चे को समझ आ गई? हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड? जल्दी बता दो मेरे सारे टॉपर्स, क्या हर एक बच्चे को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई, मतलब मस्त क्रैक कर देने वाली बात? एवरीबॉडी आई हैव सम वाटर इन माय, एक बार में पानी पी लो फिर अपन आगे बढ़ते, ठीक है। All right, my toppers, चलो, ठीक है। अब आपने नहीं सुना होगा या सुना है मुझे नहीं पता, वर्टेब्रेटा को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर, मैं आपको बता ही देती हूँ। आई विल मेक द फ्लो चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू, लेट मी फाइंड आउट एन एम्प्टी स्पेस, ठीक है। वर्टेब्रेटा बच्चों इज डिवाइडेड इनटू टू, वर्टेब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू, एनाथा and नाथोस्टोमेटा। मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने इसके बारे में सुन रखा है या नहीं भी सुन रखा हो, क्योंकि बहुत बार लोग बातें नहीं करते, पता नहीं इसके। सबको पाइसेस वगैरह पता रहता है, मछलियों के बारे में सबको पता है, एम्फीबियन के बारे में सबको पता है, बट ए नाथा के बारे में किसी को नहीं पता। ए नाथा का मतलब होता है बच्चे, इट्स नॉट कॉल्ड एग नाथा, इट्स कॉल्ड एज ए नाथा, है ना, सी साइलेंट यहाँ पे, ठीक है। सो ए नाथा बुलाते हैं इसको, ए नाथा मतलब जॉलेस। ए नाथा का मतलब बच्चों होता है जॉलेस, मतलब इसके पास जॉ नहीं है, आपके पास जॉ है, यू हैव अ जॉ राइट, ये जो आपका लोअर पार्ट है ये जॉ है ना, सो यू हैव अ जॉ, आपके पास एक जबड़ा है। ए नाथा का पास जबड़ा नहीं होता है, दे डू नॉट हैव अ जॉ। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्लास आती है, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। तो याद रखना इसको, एग्जाम में इस पे से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जॉलेस वर्टेब्रेट, जॉलेस वर्टेब्रेट कौन सा होता है, तो उसका आंसर होगा साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, बिकॉज़ ये नाथा का पार्ट है। नाथोस्टोमेटा में आते हैं पाइसेस। पाइसेस मतलब, आई होप एवरीबॉडी नोस पाइसेस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज पाइसेस? पाइसेस मींस मछलियां। पाइसेस के अंदर बच्चों मछलियां इंक्लूड होती है, ठीक है, पाइसेस बेसिकली मींस मछलियां। तो यस, पाइसेस एक्चुअली मींस योर मछलियां, है ना। टेट्रापोडा के अंदर आती हैं चार चीजें, कौन कौन सी चार चीजें आती है बच्चों? व्हाट फोर थिंग्स आर प्रेजेंट इन टेट्रापोडा? एम्फीबियन, आई होप एवरीबॉडी नोज, फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, एव्स मींस बर्ड्स और मैमल्स, ये चारों के चारे आते हैं टेट्रापोडा के अंदर। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा वर्टेब्रेट्स का क्लासिफिकेशन। पहले तो मेरे को सारे के सारे बच्चे फटाफट बता दो, हैव यू ऑल अंडरस्टूड द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द वर्टेब्रेट्स? हैज ईच वन ऑफ माय टॉपर वेरी नाइसली अंडरस्टूड द एंटायर क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्टेब्रेट? क्या हर एक बच्चे को वर्टेब्रेट का पूरा क्लासिफिकेशन अच्छे समझ आ गया? वर्टेब्रेटा के अंदर बेटा ए नाथा और नाथोस्टोमेटा दो डिविजन होते हैं बच्चों, ठीक है। ए नाथा के अंदर साइक्लोस्टोमेटा आता है, जॉलेस फिशेस, और नाथोस्टोमेटा के अंदर भी दो क्लासेस होते हैं, पाइसेस और टेट्रापोडा। टेट्रापोडा के अंदर चार क्लासेस होते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। क्या सारे के सारे बच्चों को बात समझ आ गई एवरीबॉडी? ऑल माय लवली टॉपर्स, हर एक टॉपर को समझ आ गया? ओके समीर, वेरी गुड बेटा समीर। चलो बच्चों लेट्स टॉक अबाउट साइक्लोस्टोमेटा, दैट इज ए नाथा। मैंने आपको अभी बताया वर्टेब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू ए नाथा एंड साइक्लोस्टोमेटा, राइट। दानिश को नहीं समझ आया? अरे दानिश यार ऐसे कैसे नहीं समझ में आया? देखो बेटा, सारे वर्टेब्रेट्स डिवाइड होते हैं इनटू टू, ए नाथा एंड नाथोस्टोमेटा। ए नाथा का मतलब एग्जांपल होता है साइक्लोस्टोमेटा। ए नाथा मतलब जिसके पास जॉ नहीं हो। देखो आपने सबसे पहले वर्टेब्रेट को देखा, आपने कहा इधर आओ,
देखता हूँ तुम्हारे पास जबड़ा है नहीं, जबड़ा है आ जाओ, नहीं है जबड़ा ए ना था में जाओ। तो आपने ऐसे करके सबसे पहले वर्टेब्रेट्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉस, ठीक है। सो ए ना था इज जॉलेस, ना तो स्टोमेटा इज जॉ वाला, ठीक है। ओके साइक्लोस्टोमेटा इज एन एग्जांपल ऑफ ए नाथा, ठीक है। फिर नाथोस्टोमेटा में अंदर आता है पाइसेस और टेट्रापोडा जॉ वालों के पास। सो पाइसेस में आपकी फिशेस आ गई और टेट्रापोडा में एम्फीबियन रेप्टाइल और मैमल्स आ गए। सो दैट इज वेरी वेरी सिंपल। वर्टेब्रेट्स का क्लासिफिकेशन तो यार बहुत ही आसान है, नाइन्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को भी याद हो जाता है, और मुझे तो पक्का पता है मेरे तो सारे टॉपर्स इतना बड़े हैं कि किसी बच्चे के दिमाग में अब तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, राइट माई टॉपर्स, है ना बच्चों। साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है बेटा। साइक्लोस्टोमेटा के बारे में मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। साइक्लोस्टोमेटा हर का हर लिविंग मेंबर एक्टो पैरासाइट होता है किसी ना किसी मछली। ऑल मेंबर्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टो पैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। कल ही की क्लास में मैंने आप सबको एक टर्म बताया था एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट, राइट बच्चों। मैंने कल ही की क्लास में आप सबको एक टर्म बताया था एक्टो और एंडो। एंडो पैरासाइट कौन होते हैं? राउंड वर्म्स या फ्लैट वर्म्स। फ्लैटवर्म्स या राउंडवर्म्स आर एंडो पैरासाइट, ठीक है। शशांक बेटा एम्ब्रियोनल स्टेज में होता है, आपकी या मेरी बॉडी में नहीं है, एम्ब्रियोनल स्टेज में ही थे वो, ठीक है। दे हैव अ सकिंग सर्कुलर माउथ। बेटा देखो एक बात बताओ, जब ये पैरासाइट है तो इनको कुछ इनको चबाने वबाने की जरूरत नहीं, इनका माउथ इस तरीके का होता है सर्कुलर और सकिंग, जो बस सक कर सके ब्लड को। ये किसी न किसी मछली के ऊपर उसकी बॉडी पे बैठे रहते हैं और उसके ब्लड को सक करते रहते हैं। मैं आपको एक बहुत आसान चीज बताती हूँ उसको याद करने के लिए। एक्टो पैरासाइट का एक और एग्जाम्पल होता है लाइस इन योर हेयर, ठीक है। जब सर में जुए हो जाती है, दैट इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ एक्टो पैरासाइट, ठीक है। तो जैसे वो आपका ब्लड सक करती है, कुछ खाती वाती नहीं है, उसी तरीके से ये भी बस ब्लड सक करेंगे, ठीक है। सो दे हैव अ सकिंग सर्कुलर माउथ। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? अस्मा इट डजंट रियली मैटर बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके माउथ इज विदाउट जॉस, हेंस कॉल्ड एज जॉलेस फिशेस। आपने इनको ए नाथा में रखा है, ए नाथा का मतलब ही होता है जॉलेस। ए नाथा वर्ड का मतलब ही बच्चों जॉलेस होता है, ठीक है। सो यू हैव प्लेस देम अंडर ए नाथा का मतलब होता है जॉलेस फिशेस, ठीक है। क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम इज कार्टिलेजिनस बच्चों। क्रेनियम और इसका वर्टेब्रल कॉलम दोनों कार्टिलेज का बना होता है, आपका बोन का बना होता है, इनका बोन का नहीं बना होता। दे हैव कार्टिलेजिनस क्रेनियम एंड कार्टिलेजिनस वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। मराइन होते हैं बट स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर जाते हैं, सारे बच्चे ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नॉर्मली ये रहते हैं पानी के अंदर, नॉर्मली दे लिव इन सी वाटर, मराइन मतलब सी वाटर, ठीक है। नॉर्मली ये मजे से सी के अंदर घूम रहे हैं, ठीक है। स्पॉनिंग का मतलब होता है टू ले एग्स, तो नॉर्मली तो मजे से घूम रहा है ये सी वाटर के अंदर, लेकिन जब इसको अंडे देने होते हैं ना तो ये फ्रेश वाटर में भाग जाता है, ठीक है। ऑल्सो लेट मी टेल यू ऑल वन थिंग, इसके साथ साथ मैं आप सारे बच्चों को एक बात भी बता देती हूँ। एक तो सी वॉटर में जाता है, साथ में जब ये स्पॉनिंग करके वापस आ रहा होता है ना तो ये वापस नहीं आ पाता, ये मर जाता है रास्ते में, तो यू नो इट डाइज। मेंबर्स ऑफ फाइलम साइक्लोस्टोमेटा, मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा डाई आफ्टर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग के बाद ये सब के सब मर जाते हैं, दे डाई। स्पॉनिंग करते हैं इन्होंने अपने एग्स ले किए, उसके बाद ये सब मर जाएंगे, दे विल डाई आफ्टर स्पॉनिंग, ठीक है। So remember this also, they are marine but migrate for spawning to fresh water. Migrate कर जाते हैं spawning के लिए fresh water, वहां जाके मर जाते हैं। इसका example होता है बच्चों Petromyzon that is lamprey and Myxin that is hagfish. I am hoping that this thing is very very nicely clear to each one of you. मैं hope कर रही हूँ कि हर एक बच्चे को ये बात बहुत 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 बढ़िया तरीके से समझ आ गई। तो अगर आपको सच में समझ आ गई तो फटाफट बता दो आयुषा, because देखो बेटा ये marine animals थे, है ना, और ये fresh water में गए थे, को आदत नहीं है फ्रेश वाटर में, ये मराइन थे तो ये आते हैं तब तक ये मर जाते हैं। और वैसे भी इनकी जिंदगी का पर्पस एक ही है, ठीक है, इनकी जिंदगी का पर्पस ही एक ही है, सो दैट दे कैन इंक्रीज द जनरेशन। तो जब उन्होंने स्पॉन कर दिया, जब उन्होंने एग्स लेकर दिए, तो उसके बाद इनको जरूरत है अब जिंदा रहने की, ठीक है। एवरी स्पीशीज ऑन द वर्ल्ड, एवरी स्पीशीज जो भी है, सब स्पीशीज का इवेंचुअली एक ही काम है। आपको पता है हर स्पीशीज का एक ही फंक्शन है, क्या है फंक्शन सारी की सारी स्पीशीज का बच्चों? All the species have only one function and that is that they want to increase their population. अच्छा, मैं सारे बच्चों से एक genuine request करना चाहती हूँ बच्चों। There are a lot of spammers that come to classes. बहुत सारे spammers आते हैं class में, so whenever you type a message, please make sure your message does not look like a spam message, ठीक है? Because then you will be blocked.
आपके बाकी के मैसेजेस पढ़ नहीं पाऊंगी मैं, और मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर मैं आपका मैसेज मिस कर दूं तो. सो मेक श्योर व्हाट वर्ड्स आर यू यूजिंग, मेक श्योर यू आंसर प्रॉपरली, मेक श्योर यू आस्क प्रॉपरली, बिकॉज अदरवाइज यू माइट गेट ब्लॉक्ड, है ना बच्चों. एंड आई जनरली डोंट वॉन्ट कि मेरे किसी भी प्यारे बच्चे का कॉमेंट ब्लॉक हो जाए, ठीक है. सो मेक श्योर आप जो भी बोल रहे हो आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो क्लास को, या आप बार बार सेम चीज दोबारा करने के लिए डिस्टर्बेंस नहीं हो रही आपकी वजह से. सो मेक श्योर आप ऐसा नहीं करो, है ना बच्चों, नहीं तो फिर ब्लॉक हो जाओगे. एंड आई जेनरली डोंट वॉन्ट दैट फॉर एनी ऑफ माई स्टूडेंट, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों में से कोई भी ब्लॉक हो. सो दैट वॉज ए नाथा बच्चों, ये था ए नाथा जॉलेस वर्टेब्रेट्स. अब हम बात करने वाले हैं नाथो टोमेटा की, और यहाँ पे मैंने बहुत ही गंदी स्पेलिंग लिखी है, TNACHO. नाथोस्टोमेटा का मतलब क्या होता है बच्चों? नाथोस्टोमेटा का मतलब क्या होता है? जॉ वाले, जिनके पास जॉ प्रेजेंट होता है, ठीक है. इसके अंदर बेटा दो क्लासेस होती है, पाइसेस होती है और टेट्रापोडा. इट कंसिस्ट ऑफ टू क्लासेस बच्चों, इसके अंदर दो क्लासेस होती है, पाइसेस एंड टेट्रापोडा. पाइसेस के अंदर मछलियां आती हैं, फिशेस. टेट्रापोडा कंसिस्ट ऑफ एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स. क्या ये बात हर एक बच्चे को समझ आ गई? हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड? जल्दी बता दो मेरे सारे के सारे टॉपर्स, हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड? राइट, चलो आई विल हैव सम वाटर. तब तक आप लोग भी पानी पी लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. फिर हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे. एम्फीबियंस पहले, पाइसेस को पढ़ेंगे, फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स. बस हमारा चैप्टर खत्म गाइस, आपको पता है हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है. तो शाम, क्योंकि वहां पे एग्स ले नहीं कर सकते, अगर इन्होंने एग्स वहां पे लेकर दिए तो इनके जो एग्स है उनमें से सारा का सारा पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है. ओके, मराइन वाटर में इसलिए नहीं कर सकते, एग्स में से सारा का सारा पानी बाहर निकल जाएगा. दैट्स व्हाई दे गो फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर. चलो अब बात करते हैं पाइसिस की, ट्रू फिशेस. इसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं सब सच्ची मछलियों के होते हैं. ऑल ऑफ दोज आर एक्चुअली ट्रू फिशेस, ठीक है. All are aquatic, obviously. आपने आज तक एक बात बताओ, has any of you ever seen a fish outside sea water या outside water? क्या आप सब ने किसी भी मोमेंट पे मछली को पानी के बाहर देखा है? Have you at any point of time seen a fish outside, बच्चों? Have you at any point of time seen a fish that was outside? No, it was not, है ना बच्चों? So no fishes are present like that, ठीक है. सारी की सारी fishes aquatic होती है, सारी की सारी पानी के अंदर ही present. इनके पास फिन्स होते हैं बच्चों. फिशेस कंसिस्ट ऑफ फिन्स, फिशेस कंसिस्ट ऑफ फिन्स ताकि वो स्विम कर सके आराम से. और इनके पास होती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. मैम व्हाट इज निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन? देखो आपके पास, यू हैव, प्रशांत आई एम टॉकिंग अबाउट अलाइव फिशेस, आई एम टॉकिंग अबाउट फिशेस दैट आर अलाइव, नॉट डेड फिशेस. खाने में तो वो तो मरी हुई फिश है, इट्स अ डेड फिश, राइट. ओके चलो, यू ऑल हैव आईलेट्स, राइट. वी ऑल हैव आईलेट्स दैट कैन कवर आर आईज. हम सबके पास आईलेट्स होते हैं बच्चों, जो हमारी आंखों को बहुत प्यार से कवर करती है. फिशेस पास नहीं होती, आपको पता है. फिशेस डू नॉट हैव आईलेट्स, फिशेस हैव निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. फिश के पास क्या होता है? आईलेट नहीं होती, बट कुछ तो चाहिए ना उसकी आंख को कवर करने के लिए, ताकि उसकी आंख के अंदर सारी की सारी चीजें नहीं चली जाए. सो इट कंसिस्ट ऑफ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन दैट इज अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? क्या सारे के सारे बच्चों को ये बात समझ आ गई? Has everybody understood really, really nicely, bacho? Nictitating membrane is present. They don't have eyelids like you or me, but they do have a protective membrane which is called as nictitating membrane. Chale. Somebody was asking me, कोई बच्चा मुझसे थोड़ी देर पहले पूछ रहा था, मैम क्वेश्चन कराओ. अरे यार आपको प्रक्षम क्लास में आके बोलने की जरूरत है क्या कि मैम क्वेश्चन कराओ? प्रक्षम तो अपने आप करवा ही देंगे क्वेश्चन, यू नो दैट, राइट. What is the respiratory structure present in the fishes? Fishes के अंदर बच्चे कौन सा respiratory structure present होता है? तो बता दो, फिन्स, गिल्स. प्रशांत, हाँ वी विल डू दैट प्रशांत, डू नॉट वरी बच्चे. अरे यार ऐसे परेशान क्यों हो गए आप? अभी करेंगे ना, रुको तो सही, टाइम तो आने दो. तो ऐश्वर्या हैज आंसर्ड, मीनल हैज आंसर्ड, स्वप्निल हैज आंसर्ड, मंतशा हैज आंसर्ड, मीनल हैज आंसर्ड, विकास, स्वप्निल, प्रशांत, शशांक, प्रणीता, विकास, प्रियांश, आयशा, फातिमा, एब्सोल्युटली. रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इनके पास गिल्स होता है. आपकी और मेरी तरह लंग्स नहीं होते, और फिन से कोई कैसे ही सांस लेगा? फिन तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. स्किन से लोग सांस ले सकते हैं, बट ये नहीं ले सकती. सो देयर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आर गिल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. हार्ट ऑफ द फिशेज, फिशेज का हार्ट कैसा होता है? टू चैम्बर, थ्री चैम्बर, फोर चैम्बर, या फिर नन ऑफ द अबव? व्हाट काइंड ऑफ हार्ट डू फिशेज पजेस? किस तरीके का दिल होता है मछलियों का? छोटू सा दिल होता है. They have a very small heart. How many chambers? Meenal, absolutely right.
अमित, ऐश्वर्या एब्सोल्युटली राइट बच्चे, हार्ट ऑफ फिश इज एब्सोल्युटली राइट ऐश्वर्या, विकास एब्सोल्युटली राइट, मंतशा इट इज नॉट थ्री इट इज टू चैंबर, ठीक है शशांक, नो इट्स नॉट बी, विकास एब्सोल्युटली राइट, श्रेयांश एब्सोल्युटली राइट, अक्षत एब्सोल्युटली राइट, स्वप्निल, श्रेयांश, प्रशांत, समीर, प्रणीता एब्सोल्युटली राइट। हार्ट ऑफ फिशेज बच्चों होता है टू चैम्बर्ड, एक मछली के दिल में दो चैम्बर्स प्रेजेंट है बस, ओनली आर्टेरियल एंड वीनस ब्लड ही आ सकता है यहाँ पे। मैम हमारी बॉडी में भी तो आर्टेरियल एंड वीनस ब्लड ही आता है, हाँ बट आपकी बॉडी में दो दो चैम्बर्स आते हैं इनके अंदर एक एक चैम्बर, ठीक है। आर्टेरियल ब्लड तो होता ही नहीं है इनके हार्ट में, दे डोंट हैव आर्टेरियल ब्लड, दे हैव ओनली वीनस, आई एम सॉरी, दे हैव ओनली वीनस, केवल और केवल वीनस ब्लड ही होता है हार्ट के अंदर, ठीक है। एब्सोल्युटली राइट बच्चों, एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया सारी, ओके। फिशेस आर डिवाइडेड इनटू कॉन्ड्रिक्टिस एंड ऑस्टिक्टिस। कोई बच्चा मुझे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मैम फिशेस का भी तो डिवीजन है, सो यार इट इज आर गेट डिवीजन फिशेस का। अच्छा मैं अब आपको एक बात बताती हूँ, एक लाइफ लेसन देती हूँ, ठीक है। कॉन्ड्रो वर्ड का मतलब होता है, द वर्ड कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज। कितने बच्चों को ये बात पता थी पहले से, हाउ मेनी ऑफ यू न्यू दैट दिस वर्ड कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज। कितने बच्चों को ये बात पता है कॉन्ड्रो वर्ड का मतलब होता है कार्टिलेज और ऑस्टियो वर्ड का मतलब होता है बोन। हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट, जल्दी बता दो मेरे सारे टॉपर्स, कितने बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से पता है, कितने बच्चों को नहीं पता, मैम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैम पहली बार देख रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो, मीनल नोज, ऐश्वर्या नोज, प्रशांत नोज, राशि डिडंट नो, राशि यू लर्न टुडे, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कॉन्ड्रोसाइट यानी आपकी बॉडी का ऐसा सेल जो कार्टिलेज बनाने वाला है, अगर मैं बोल रही हूँ ऑस्टियोसाइट मतलब ऐसा सेल जो बोन बनाने वाला है, ठीक है। मैंने शशांक को पहले बताई थी, मैंने सबको पहले बताई थी, ठीक है, श्रेयांश को भी पता है, चलो दैट्स एक्सेलेंट। तो कॉन्ड्रिक्टिस मतलब बच्चों ऐसी फिशेस, कॉन्ड्रिक्टिस का मतलब ऐसी फिशेस विच हैव बीन, कॉन्ड्रिक्टिस का मतलब क्या होता है, ऐसी मछली जिसके पास कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन होता है, इट हैज अ स्केलेटन मेड अप ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज एंडोस्केलेटन, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स न्यू, दैट्स ग्रेट, कार्टिलेज का इसका स्केलेटन बना होता है। ऑस्टिक्टिस मतलब बोनी एंडोस्केलेटन, ऑस्टिक्टिस का मतलब होता है बच्चों बोनी एंडोस्केलेटन। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी, क्या हर एक बच्चे को ये बात समझ आई, कॉन्ड्रिक्टिस इज कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन एंड ऑस्टिक्टिस इज बोनी एंडोस्केलेटन। सो आई एम होपिंग एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दिस रियली नाइसली, क्या हर एक बच्चे को बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया। स्पेशल क्लासेस में सीखा था श्रेयांश ने, हाँ मतलब सीख लिया ना। बात करते हैं कॉन्ड्रिक्टिस की बेटा, ये कार्टिलेजिनस फिशेस होती है क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का होता है, मराइन होती है। अब मछली है यार तो मराइन ही होगी, नहीं फ्रेश वाटर मछलियां भी होती है मगर ये पानी में रहती है। नाउ देयर इज अ ब्यूटीफुल वर्ड दैट इज पोइकिलोथर्मस। क्या मतलब होता है इस वर्ड का, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, व्हाट एग्जैक्टली डज द टर्म पोइकिलोथर्मस मीन। मैंने कहा यार कॉन्ड्रिक्टिस मछली जो है ना ये पोइकिलोथर्मस है, या फिर मैं एक और वर्ड यूज कर सकती हूँ पोइकिलोथर्मस की, ये जो मछली है ये है कोल्ड ब्लडेड, तो खून ठंडा होता है मैम, इसकी इसकी बॉडी में से खून निकालेंगे तो इज दैट कोल्ड। पोइकिलोथर्मस या कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है बच्चों ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती। अच्छा देखो आपको याद है सारे के सारे, मेरे को पहले एक बार बताओ चार्ट सेक्शन में हाउ मेनी ऑफ यू स्टूडेंट्स हैव बीन, आप में से कितने बच्चे सर्दियों में स्कूल गए थे, पहले ये बता दो एक बार, सर्दियों में सुबह सुबह जब आप छोटे थे सुबह 7 बजे नहा कर, कितने बच्चों ने वो एक्सपीरियंस किया है कि आप स्कूल गए थे सुबह सुबह सर्दियों में, मतलब सुबह 7 बजे नहा रहे हैं गर्म पानी से, ऑब्वियसली ठंडी से तो मत नहाना, बट आई होप ऑल ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दैट ना, बचपन में जब छोटे छोटे से थे सुबह सुबह उठ के, है ना। नहीं गए विकास, क्यों यार नहा के नहीं जाते थे या जाते ही नहीं थे स्कूल ही, मैम मैं तो स्कूल ही जाना मन कर दिया था। राशि डेढ़, शशांक डेढ़, बाकी के बच्चे जल्दी बताओ, आई हैव माई स्कूल मेमोरीज, आई रिमेम्बर दैट, सो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर दैट। 6 बजे पीयूष भाई साहब, विकास ऑल्सो नाउ, हाउ मेनी ऑफ यू जल्दी बताओ यार, कितने बजे स्कूल की याद तो सबको आती होगी, बहुत ठंड लगती थी राशि सच में, 6 PM नहीं 6 AM। समीर, श्रेयांश, फातिमा, अजय एंड मीनल, ओके तो हम सब सुबह सुबह 6 बजे उठ के स्कूल गए, आपको याद है जब आपको बहुत तेज ठंड लगती थी आप वहां पे बैठ के कांपते रहते थे, डू यू रिमेम्बर योर बॉडी यूज्ड टू शिवर, याद है आपको वो सर्दियों के दिन जब सुबह सुबह 7 बजे उठ के आप स्कूल जाते थे और आप खतरनाक वाले शिवर करते रहते थे, है ना सागर, अभी भी शिवर है ना, अगर हम वोलन नहीं पहनते तो अभी भी शिवरिंग हो जाती है कभी कभी, है ना, बट मैं तो स्कूल की याद दिलाना चाहती थी, खतरनाक वाली ठंड लग जाती थी, है ना साहिली बेटा, बहुत ही ज्यादा ठंड लगती थी एंड वी यूज्ड टू शिवर, ठीक है चल भूल जाओ इस कंडीशन को।
याद करो वो दिन गर्मियों के जब आप स्कूल में गेम्स पीरियड में मस्त खेल रहे होते थे आपके प्लेग्राउंड के अंदर, पीटी सर को आपने मनाया होता था कि सर प्लीज ले जाओ प्लीज ले जाओ, और सब्स्टिट्यूशन पीरियड बचाने के लिए पीटी सर ले भी जाते थे आपको गेम्स पीरियड। और वहां पर आप जब गर्मियों में, अप्रैल का महीना है, खतरनाक चिल चिलाती धूप है और आप खेल रहे हो और आप लोग बहुत बुरी तरीके से स्वेट कर रहे हो, डू यू रिमेम्बर दैट ऑल्सो? क्या वो दिन याद है आपको अपने बचपन के, जब खतरनाक बहुत तेज गर्म होता है एनवायरनमेंट पूरा का पूरा और बहुत बुरी वाली गर्मी लग रही होती है, याद है सारे के सारे बच्चों को वो दिन भी? यू रिमेम्बर शिवरिंग एंड स्वेटिंग बोथ? क्या हर बच्चे को याद है? यस। आपको पता है ये क्या है? दीज आर मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी ताकि आपकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सके। हमारा टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है, चाहे बाहर बर्फ पड़ा लो तुम, चाहे तुम बाहर 50 डिग्री सेल्सियस करा दो, मेरी आपकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा सेम रहेगा, है ना? क्यों? क्योंकि हम लोग हैं वार्म ब्लडेड, या फिर वी आर वार्म ब्लडेड, ठीक है, होम्योथर्मस। विल टॉक अबाउट दिस जब हम बात करेंगे, ठीक है। हम अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं यार, ये बेचारे नहीं कर सकते, ये कोल्ड ब्लडेड है, इसको अगर आपने ना ठंडे पानी में डाल दिया ना तो ये बेचारे का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, अगर आपने इसको गर्म पानी में डाल दिया तो इसका टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, तो इनके साथ वो बहुत बुरी चीज होती है, ठीक है। सो दीज आर पोइकिलोथर्मस और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बताए। मेल्स के अंदर दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कॉन्ट्रैक्सिस से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है। मेल्स के अंदर पेल्विक फिन यानी जो इनका पीछे वाले फिन होते हैं, देखो एक आगे फिन है और एक पीछे फिन है ना, तो पेल्विक फिन में क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं इन मेल्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है कि क्लैस्पर्स किसके अंदर होता है, कॉन्ट्रैक्टिस के अंदर होता है या ऑस्टिक्टिस के अंदर होता है, तो सारे के सारे बच्चे याद रखना, ठीक है। मजा आता था, अरे बहुत मजा आता था, मेरे को भी, आई ऑल्सो यूज टू प्ले। तो ऐसे स्वेटिंग हो रही है खतरनाक वाली, ड्रिबल कर रहे हो स्वेट के साथ, बट फिर भी मजा आता था, खेलना नहीं छोड़ते थे भाई, आई यूज टू कीप प्लेइंग, आई स्टिल रिमेम्बर दोस डेज, ठीक है। इसके बाद बेटा इनके अंदर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, इनकी बॉडी में यू हैव 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, आपकी बॉडी में 12 होते हैं, हर एक इंसान का देखेंगे, हर एक एनिमल का देखेंगे इनका कितना कितना होता है, ठीक है। राइट, सो दे हैव 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, तो इनके पास 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, समीर दे विल ऑलवेज बी ब्यूटीफुल। इसके एग्जाम्पल होते हैं बच्चों पोलियोडन दैट इज डॉग फिश, प्रिस्टिस सॉ फिश, ट्राइगन स्टिंगरे, कैर कैरोडॉन दैट वॉज द ग्रेट व्हाइट शार्क। तो दिस वॉज एग्जाम्पल्स ऑफ योर कॉन्ट्रैक्टिस, ये एग्जाम्पल थे बच्चों आपके कार्टिलेजिनस, ठीक है, वो मछलियां जो कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन कैरी करती है, ठीक है। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ कार्टिलेजिनस, ठीक है, दोज वर द डेज आई कंप्लीटली अग्री विद। कैन कैरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, आपको मालूम है शार्क शार्क कार्टिलेजिनस मछली होती है, डू यू गाइस नो कार्टिलेजिनस मछली होती है शार्क, वो बड़ी वाली शार्क, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ, ओके। अभी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मेरे को लगता है मेरे सारे टॉपर्स यूं पट्टे से जवाब दे देंगे, तो जल्दी से जवाब दे दो। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ माउथ इन कॉन्ट्रैक्टिस, कॉन्ट्रैक्टिस के अंदर माउथ का पोजीशन कैसा होता है, मुंह कहाँ पे होता है कॉन्ट्रैक्टिस? मीनल हैज ऑलरेडी आंसर्ड गाइस, मीनल हैज ऑलरेडी आंसर्ड एंड दिस इज द रॉन्ग आंसर, नॉट राइट आंसर मीनल, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मीनल हैज नाउ गिवन द राइट आंसर, मंतशा हैज गिवन द राइट आंसर, और मेरे टॉपर्स का है, जल्दी बताओ यार, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर की भरमार आ जानी चाहिए, बारिश आ जानी चाहिए, चैट बॉक्स में बारिश होनी चाहिए। सुशांत अस्मा, नो इट्स नॉट डॉर्सन, मीनल इज राइट, दानिश इज राइट, ऐश्वर्या इज राइट, आयशा इज राइट, राशि इज राइट, बाबूराज इज राइट, समीर इज राइट, सागर इज राइट, दानिश इज राइट, एब्सोल्युटली राइट, द आंसर इज वेंट्रल, आपका माउथ का है, वेंट्रल साइड है ना आपका भी, कॉन्ट्रैक्टिस का भी आप ही की तरह, ठीक है। कार्टिलेजिनस फिशेस का बच्चों साइली बेटा एब्सोल्युटली राइट, कार्टिलेजिनस फिशेस हाफ देयर माउथ प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, ठीक है, हर एक कार्टिलेजिनस फिश का मुंह उसके वेंट्रल साइड पे होता है, डॉर्सल साइड पे नहीं होता, एब्सोल्युटली राइट, सो अपने अंदर राइट आंसर इज वेंट्रल, ठीक है। अच्छा इनके पास ओपरक्युलम और गिल स्लिट्स होते हैं या नहीं, व्हाट इज ओपरक्युलम मैम, हमें तो पता ही नहीं, ओपरक्युलम का मतलब होता है गिल का कवर, इनके पास गिल्स होते हैं ना, तो गिल का कवर होता है या नहीं होता और गिल स्लिट्स होते हैं या नहीं, That's a good question. ये नीट में आया हुआ question है, सबको बता दूँ. This question was asked in नीट बच्चों, ठीक है? ये question नीट में पूछा जा चुका है. So which of these is true regarding operculum and gill slits in contractors? Gill slits separate with operculum. Gill slits not separate without operculum. Gill slits separate without operculum. Gill slits not separate with operculum. Meenal, Danish, Shreyansh, Aishwarya.
दे डोंट हैव अ गिल कवर, इनके पास गिल को कवर करने के लिए कुछ नहीं होता, इनके गिल स्लिट्स अलग अलग होते हैं और ओपरकुलम नहीं होता है, दे हैव नथिंग टू कवर देयर गिल स्लिट। एब्सोल्युटली राइट, द राइट आंसर इज गिल स्लिट सेपरेट विदाउट ओपरकुलम। एब्सोल्युटली राइट माई टॉपर्स, एक्सेलेंट बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया इनके स्केल्स के ऊपर, वट टाइप ऑफ स्केल्स विल बी प्रेजेंट इन कॉन्ट्रैक्टिस, प्लैकोइड स्केल्स होंगे, साइक्लॉइड स्केल्स होंगे, टेनॉइड स्केल्स होंगे या फिर कोई स्केल्स ही नहीं होंगे। जल्दी बताओ सारे के सारे बच्चे, व्हाट काइंड ऑफ स्केल्स आर प्रेजेंट इन कॉन्ट्रैक्टिस, कार्टिलेजिनस फिशेस में कौन से स्केल्स होते हैं, जल्दी बता दो सारे बच्चे। मीनल इज एब्सोल्युटली राइट, प्रियांश कुछ होता नहीं है गिल को कवर करने से, बस गिल का कवर अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। मीनल इज राइट, ऐश्वर्या इज राइट, श्रेयांश, शशांक, दानिश, विकास, फातिमा, नो इट्स नॉट सी, इनके पास ब्लैक व्हाइट स्केल्स होते हैं। क्वेश्चन देखो, कॉन्ट्रैक्टर्स का क्वेश्चन पूछ रही हूँ बच्चों, अस्मा आई एम आस्किंग अबाउट कॉन्ट्रैक्टर्स, प्रनीता इज राइट, आयशा इज राइट, बेटा ब्लैक व्हाइट स्केल्स होते हैं इनके पास, नहीं होते साइक्लॉइड स्केल्स, दे डू नॉट हैव ब्लैक व्हाइट, दे डू नॉट हैव साइक्लॉइड, दे हैव ब्लैक व्हाइट। ओके, एयर ब्लैडर की सच्चाई क्या है इनकी बॉडी में, एयर ब्लैडर है या नहीं है, व्हाट यू गाइस थिंक, एयर ब्लैडर है या नहीं है। Which of these is true regarding air bladder in cartilaginous fishes? Air bladder present, air bladder absent, air bladder present but useless, none of the above. Danish is right. No, Danish, it's not right. Air bladder hota hai ya nahi hota cartilaginous fishes? Shashank is right, Shriyansh is right, Vikas is right, Ishwara is right, Meenal is right. No, Meenal, they don't have an answer. No, Meenal is wrong. Shriyansh, Vikas, Prashant, Danish, Baburaj. Okay. Air bladder is absent. ठीक है बेटा, cartilaginous fishes के अंदर air bladder absent होते हैं, इनके पास नहीं है यार cartilaginous। आपको पता है इनको जिंदा रहने के लिए पूरे टाइम स्विम करना पड़ता है, बस एयर ब्लैडर नहीं। पोनी फिशेस की अभी आप बात करोगे उनके पास होता है कंटिन्यूस स्विमिंग, यस इनको अगर जिंदा रहना है तो इनको पूरी जिंदगी स्विम करता रहना पड़ेगा, अगर स्विम करना बंद कर तो नीचे पहुंच जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। They do not have an air bladder and that is why they have to swim for the entire time. बेटा स्केल्स होते हैं अलग अलग बॉडी पे प्रशांत, इनके स्केल्स को प्लैकोइड बोलते हो, ऑस्टिक्टिस के अंदर जो स्केल्स होते हैं उनको साइक्लॉइड और टीनॉइड बोलते हो, ठीक है। इसमें समझने जैसी बात नहीं है, बस नाम है स्केल के, इसके ऊपर जो स्केल है उसका नाम प्लैकोइड है और साइक्लॉइड और टीनॉइड ऑस्टिक्टिस के नाम है, ठीक है प्रशांत। चलो, टॉरपीडो के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, पॉइजन स्टिंग, एयर ब्लैडर या फिर बोनी स्केलेटन, जल्दी बता दो। टॉरपीडो एक एग्जांपल है कार्टिलेजिनस फिशेस का, उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, जल्दी से बता दो मेरे सारे टॉपर्स, सो दैट वी कैन गेट अहेड, एवरीबॉडी आंसर फास्ट। यार मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का मतलब क्वेश्चन आते हैं ना ऐसे पट पट आंसर आए कि मतलब मैं देखते रह जाऊं कि भाई साहब मैं नाम किसका लूं और छोड़ू किसका। ऐश्वर्या, शशांक, स्वप्निल, मानी, हाय मानी, मानी, श्रियांश, स्वप्निल, शाहबाज, मीनल, आयशा, साहिल, मानी, दानिश, समीर, ऑल राइट, एक्सीलेंट शशांक, एक्सीलेंट श्रेयांश, एक्सीलेंट। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन, टॉरपीडो के पास क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक ऑर्गन, ठीक है, यस हे। कॉन्ट्रैक्टर्स, अच्छा चलो दैट इज इट अबाउट कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। चलो हमने कॉन्ट्रैक्टर्स की कहानी खत्म करी, मैम अब आगे भी बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत पढ़े, अब ऑस्टिक्टिस पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट, थैंक यू अनमोल, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट ऑस्टिक्टिस बच्चों। चलो अभी हम लोग बात करेंगे ऑस्टिक्टिस के बारे में, ये कौन सी फिशेज होती है, बोनी फिशेज, ये ऐसी मछलियां होती है जिनके पास हड्डियां होती है, आपकी तरह हड्डियां इनके पास भी, ठीक है, दे ऑल्सो हैव बोन लाइक यू, ओके ओके। एनीवे, सो ऑस्टिक्टिस के बाद बच्चों बोनी फिशेज होती है, बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर, पानी में भी रहती है, मतलब समुद्र में भी मिलेंगी आपको और फ्रेश वाटर में भी मिलेंगी, ठीक है। तो आपके घर के पास से अगर कोई नदी बह रही है, गंगा, यमुना, सरस्वती, चंबल, एनी रिवर, तो ये वहां भी मिल सकती है। और अगर आप इनको, अगर आप पैसिफिक ओशन चलो मेरे साथ किसी दिन की, चलो प्राक्षी मैम हम लोग चल के ढूंढ कर आते हैं कि वहां पर कौन कौन सी मछलियां हैं, तो वहां पर भी मिल जाएंगी आपको ये, ठीक है। सो यू विल फाइंड दिस एट एवरी प्लेस, ठीक है, हर जगह आपको ये वाली मछलियां मिल सकती है बच्चों, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। चले कि किसी दिन अपन से प्लान बनाए कि चलो मैम एक दिन हम सब मिलके चलते हैं पैसिफिक ओशन, वहां पे जाके ऑस्टिक्टिस को ढूंढ के आएंगे, व्हाट यू गाइस थिंक, ऑलराइट। सो बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर, बोनी एंडोस्केलेटन होता है, ये भी पॉइकिलोथर्मस, पॉइकिलोथर्मस मतलब वंस अगेन
These are also cold-blooded in nature. ठंडा खून होता है इनका. चले सब साथ में. चलो मैम वहां पे जाके पैसिफिक ओशन में सारी बोन्स का सारी फिशेस का डाइसेक्शन करेंगे हम. ठीक है. इसके एग्जाम्पल होते हैं बच्चों एक्सोसीटस, दैट इज फ्लाइंग फिश. चल चल ले. अरे ताहिल, अरे यार कोरोना खत्म होने दो पहले. ऐसे नहीं, वैक्सीन के बिना नहीं जाऊंगी अब मैं घर से बाहर. ठीक है. लेट दिस, ये जो पैंडेमिक हो रहा है इसको काम होने दो, फिर चलेंगे अपन. ठीक है. एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, लेबियो रोहू कटला कटला. आई एम श्योर रोहू कटला का नाम बहुत सारे बच्चों ने कॉमनली सुना होगा, क्योंकि कोई खाता है तो आप लोगों ने तो बहुत ही कॉमनली सुना होगा रोहू और कटला का नाम. नॉर्मली इन्हीं मछलियों को खाते हैं. ठीक है. हाय आलू. नॉर्मली इन मछलियों को लोग बहुत ज्यादा खाते हैं. ठीक है. कल ही चले. नहीं आज ध्यान चार, कल तो नहीं चल सकते. चलो सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स. चलो अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इनकी ऑस्टिक्स से इनकी नोटोकॉर्ड से रिलेटेड सही स्टेटमेंट कौन सा है? विच ऑफ दीज इज ट्रू रिगार्डिंग द नोटोकॉर्ड ऑफ ऑस्टिक्स. इनकी नोटोकॉर्ड से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है तो जल्दी बता दो. पूरी जिंदगी होती है केवल टेल में होती है, रिप्लेस बाय डिस्टिंक्ट वर्टेब्रा, या फिर एब्सेंट. जल्दी बता दो सारे के सारे बच्चे, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द नोटोकॉर्ड ऑफ ऑस्टिक्स. क्या सच्चाई होती है इनकी नोटोकॉर्ड की? ऐश्वर्या, एब्सोल्युटली राइट ऐश्वर्या. ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, यू आंसर्ड वेरी नाइसली. वेरी गुड ऐश्वर्या. और कोई मेरा टॉपर टॉप करना चाहते है क्या? आसमा, प्रशांत, शशांक, साहिल, टेल में यूरोकॉर्डेट है, ऑस्टिक्स की बात करें, यूरोकॉर्डेट की बात नहीं करें. मीनल इज राइट, अंजू इज राइट, मीनल, अंजू, मानी, माने, एब्सोल्युटली राइट. बेटा ऑस्टिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ वर्टेब्रेट्स है ना. ऑस्टिक्स एक एग्जांपल होता है बच्चों वर्टेब्रेट्स का. ठीक है. ऑस्टिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ वर्टेब्रेट्स. तो इसके अंदर डिस्टिंक्ट वर्टेब्रा आ जाती है. ठीक है. इसकी नोटोकॉर्ड गायब हो जाती है और इसकी डिस्टिंक्ट वर्टेब्रा आ जाती है. ठीक है. इट हैज अ डिस्टिंक्ट वर्टेब्रा. इनका मुंह कहां पे होता है? वहां पे कॉन्ट्रैक्टर्स में तो हमने देख लिया उनका माउथ वेंट्रली प्रेजेंट है, आपकी या मेरी तरह. इनका माउथ कहां पे प्रेजेंट है? इन ऑस्टिक्स माउथ इज प्रेजेंट डॉर्सली, वेंट्रली, टर्मिनल, या फिर नन? मीना, शशांक, श्रेयांश, प्रशांत, स्वप्निल, विकास, अस्मा, प्रशांत, एब्सोल्युटली राइट बच्चों. इनका माउथ टर्मिनल होता है. साहिल, बाबूराज, प्रज्ञा, एब्सोल्युटली राइट. मैं आपको एक आसान चीज बताती हूँ. ठीक है. बचपन में आप सबने वो डायग्राम बनाया था मछली का. डू यू ऑल रिमेम्बर मेकिंग दिस डायग्राम फ्रॉम बचपन? यस माने, सबको याद है बचपन का डायग्राम ऑस्टिक्टिस वाला. सो इन ऑस्टिक्टिस माउथ इज प्रेजेंट टर्मिनली, एकदम एंड में जाके माउथ होता है इनका. जहां पे खत्म हो जाता है इनका बॉडी वहां पर इनका माउथ प्रेजेंट होता है. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? क्या ये बात हर बच्चे को समझ आ गई? एवरीबॉडी, ऑल ऑफ माय टॉपर्स? यस मीनाल. चलो ऑस्टिक्स के अंदर स्किन कवर्ड होती है. अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, तो जल्दी से बता दो मेरे सारे के सारे टॉपर्स. ऑस्टिक्स के अंदर स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लॉइड स्केल्स, टीनॉइड स्केल्स, प्लैकोइड स्केल्स, या फिर बोथ एंडी. तो जल्दी बता दो ऑस्टिक्स के अंदर स्किन को कौन कवर करके रखता है? Aishwarya has answered. Oh my god, Aishwarya. She doesn't even wait for me to give the question. She answers before and excellent. Aur mere toppers, jaldi jawab do. Hi, Mantasha, Shashank, Shreyansh. No, the answer is C option. Right answer is option D. Cycloid or tenoid, dono hi hote. Okay, bachcho, inke paas dono ke dono hote. Ab bo, absolutely. Jitne bhi bachcho ne option D bola hai, bilkul sahi. Inke paas cycloid bhi hote, tenoid. Okay? एयर ब्लैडर इन ऑस्टिक्स. एयर ब्लैडर होते हैं कि नहीं होता है बच्चों? जल्दी से बता दो एवरीबॉडी, मेरे सारे रॉकस्टार, जल्दी से बता दो मेरे को, इनके पास होता है एयर ब्लैडर कि नहीं होता है? डू दे हैव एयर ब्लैडर और दे डोंट हैव एन एयर ब्लैडर? जल्दी बता दो, मतलब इतना फटाफट आंसर आना चाहिए मेरे सारे बच्चों का. मीनाल राइट, विकास राइट, कोई बात नहीं, पीयूषा, ऐश्वर्या राइट, प्रशांत राइट, विकास राइट, दानिश राइट, शशांक राइट, स्वप्निल राइट, करिश्मा राइट, प्रियांश, अस्मा, दानिश, इमरान, प्रज्ञा, दे डू हैव, इनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है इसलिए ये सो सकती हैं. दे कैन स्लीप. एयर ब्लैडर इनको बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं. एयर ब्लैडर प्रोवाइड्स देम विद बायोन्सी, यानी खुद से फ्लोट कर सकते हैं सरफेस पे. दे डोंट नेसेसरीली रिक्वायर एयर ब्लैडर टू बी प्रेजेंट. ओके चलो खत्म हो गई हमारी मछलियां. अब मछलियों की बात बाद में करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं टेट्रापोडा की. टेट्रापोडा मतलब
अपेंडेजेस, चार अपेंडेज होने चाहिए, ठीक है, फोर अपेंडेजेस. पोडा मीन्स अपेंडेज, टेट्रा मीन्स फोर, तो चार अपेंडेज होने चाहिए. तो यार अगर आप एक फ्रॉग को देखो, चाहे आप एक लिजर्ड को देखो, चाहे आप एक बर्ड को देखो, मैम बर्ड के अंदर तो नहीं होते, चलो वो भी पता लगाएंगे, बर्ड की सच्चाई पता लगाते हैं, या फिर आप एक मेमल को देखो, हर किसी के अंदर बच्चों चार चार अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. चलो बच्चों एम्फीबिया की बात करते हैं. एम्फीबिया, हाउ क्यूट डज दिस फ्रॉग लुक, पहले तो ये बता दो हाउ क्यूट डज दिस फ्रॉग लुक, ठीक है. एम्फीबिया बच्चों पोइकिलोथर्मस होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, इनके लार्वल स्टेज में गिल्स होते हैं, कुछ एडल्ट्स में भी. आपको पता है ये लोग सांस कहाँ से लेते हैं? डू यू नो हाउ डू दिस ब्रीथ? थ्रू लंग्स, थ्रू बकोफेरिंजल कैविटी, थ्रू देयर स्किन एंड थ्रू देयर, दे कैन ब्रीथ फ्रॉम देयर लंग्स, बकोफेरिंजल कैविटी और गिल्स. एग्जाम्पल्स होते हैं बच्चे बूफो दैट इज टोड, राना टिगरीना दैट इज फ्रॉग. सारे बच्चों को बता दूं ये राना टिगरीना की ना आज पूरी अपन कुंडली निकालने वाले हैं रात में 9 बजे स्पेशल क्लास में. टुनाइट एट 9 PM इस राना टिगरीना की पूरी कुंडली निकालेंगे बैठ के आप और प्राक्षी मैम, ठीक है. फ्री स्पेशल क्लास है आज, फ्रॉग को पढ़ेंगे फॉर फ्री टुनाइट 9 PM ऑल ऑफ अस. फाइला दैट इज द ट्री फ्रॉग एंड सैलामेंड्रा दैट इज द सैलामेंड्रा, ठीक है. हार्ट ऑफ एम्फीबियंस बता दो बच्चों, हार्ट कैसा होता है इनका? मछलियों से बड़ा होता है कि छोटा होता है? व्हाट काइंड ऑफ हार्ट डू एम्फीबियंस हैव? किस तरीके का हार्ट होता है बच्चों इनका? मछलियों से बड़ा होता है कि छोटा होता है? दे हैव अ थ्री चेम्बर्ड हार्ट बच्चों, इनका जो दिल होता है उसके अंदर थ्री चेम्बर्स होते हैं. मीनल एब्सोल्युटली राइट, ऐश्वर्य एब्सोल्युटली राइट, विकास एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट. इंपॉर्टेंट नहीं, आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर नाइस क्वेश्चंस, दोज वर नॉट नाइस. चलो आगे बढ़ते. रेप्टाइल, अब हम बात करते हैं रेप्टाइल के बारे में. क्रीपी क्रॉली मोड ऑफ लोकोमोशन रेप्टाइल. आपने कभी किसी सांप को चलते हुए देखा? हैव यू एवर सीन अ सांप? किसी सांप को देखे चलते हुए? कितना क्रीपी चलता है ना. मतलब अगर कभी इमेजिन सांप या फिर कोई रेप्टाइल या मतलब कोई लिजर्ड या फिर कोई यू नो वॉल लिजर्ड या इस तरीके का कोई एनिमल आपके ऊपर चले, इमेजिन बैड, इमेजिन कितना क्रीपी होगा ना नेचर, दैट विल बी सो क्रीपी. तो इनका नेचर होता है क्रीपी क्रॉली मोड ऑफ लोकोमोशन, ठीक है. इनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है ऑब्वियसली, 12 pairs ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, और ये भी पोइकिलोथर्मस होते हैं, ठीक है बच्चों. ओके अच्छा खत्म हो गया, इतना सही था रेप्टाइल के बारे में. चलो अब बात करते हैं एप की और बर्ड्स की. पास से गुजरा था श्रेयांश, डर लगा होगा ना, मस्ट हैव बीन स्केयर्ड, बहुत ज्यादा ही डर लगा होगा आई थिंक, है ना. चलो अब बात करते हैं बर्ड्स की. फ्लाइंग वर्टेब्रेट बेटा, ये इकलौते ऐसे वर्टेब्रेट्स होते हैं जो उड़ सकते हैं, ठीक है, इनके अलावा कोई नहीं उड़ सकता, यही उड़ सकता. अब हमने इनको रखा था टेट्रापोडा के अंदर, क्या हर एक बच्चे को याद है? वी प्लेस्ड देम अंडर टेट्रापोडा. इनके चार पैर नहीं होते मैम, उनके दो ही होते हैं, हमने देखा है. मगर बेटा इनके जो आगे वाले पैर थे, फोर लिम्स, दे आर मॉडिफाइड इन टू विंग्स. दे आर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इन टू विंग्स. इनके फोर लिम्स बच्चों मॉडिफाइड होते हैं विंग्स के अंदर, दैट इज व्हाई दे आर प्लेस्ड इनटू टेट्रापोडा. ऐसा नहीं है कि भगवान ने ऐसे, हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन किया तो हमने मजे मजे में बोल दिया कि ओ चलो इनको भी ले आओ, नहीं ऐसा नहीं है. इनके फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड? क्या सारे बच्चों को बात समझ आई? राइट, होमियोथर्मस. आप सब देख सकते हो पहली बार मैंने एनिमल किंगडम में किसी एनिमल के आगे आके लिखा है होमियोथर्मस, क्योंकि ये आपकी तरह वार्म ब्लडेड होते हैं. आप भी वार्म ब्लडेड हो, ये भी वार्म ब्लडेड है, राइट बच्चों? यस, दीज आर ऑल्सो वार्म ब्लडेड गाइज. आप भी वार्म ब्लडेड, ये भी वार्म ब्लडेड, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि आप बर्ड को ले जाके ना फ्रीजर में रख दो तो बर्ड फ्रीज हो जाएगा, नहीं ये फ्रीज नहीं होगा, ये ठीक रहेगा, ठीक है. चलो एक आसान सा क्वेश्चन बता दो, बोन्स एंड नेल्स आर. बर्ड्स के अंदर हड्डियां कैसी होती है? न्यूमैटिक, लॉन्ग, सेसमॉइड या फिर नन ऑफ द अबव. न्यूमैटिक हड्डियां होती है, लंबी हड्डियां होती है, सेसमॉइड हड्डियां होती है या फिर नन ऑफ द अबव. जल्दी बता दो मेरे सारे टॉपर्स. मीनल इज राइट, साहिल इज राइट, प्रशांत इज राइट, ऐश्वर्या इज राइट, हायरिया, प्रशांत, श्रेयांश, विकास, शशांक, मोहम्मद, श्रेयांश, साहिल, दानिश, स्वप्निल, एवरीबॉडी इज राइट, ऑल माई टॉपर्स आर. न्यूमैटिक, न्यूमैटिक का मतलब होता है हॉलो बोन्स. इनकी बेटा बोन्स हॉलो होती है. यस इमरान, यस रिया, यस
हार्ट ऑफ इज, इनके दिल में कितने चेंबर्स होते हैं, हाउ मेनी चेंबर्स डू देयर हार्ट हैव। दिल पे पत्थर रख के अगर ये मेकअप करना चाहें तो कितने चेंबर्स होंगे जिनके ऊपर इनको पत्थर रखना पड़ेगा, जल्दी बताओ सारे के सारे बच्चे, हाउ मेनी चेंबर्स। मीनल एब्सोल्युटली राइट, विकास एब्सोल्युटली राइट, मोहम्मद एब्सोल्युटली राइट, ऐश्वर्या एब्सोल्युटली राइट, साहिल एब्सोल्युटली राइट, कोमल, प्रशांत, मंतशा, श्रेयांश एब्सोल्युटली राइट, चार चेंबर्स, एब्सोल्युटली चारों चेंबर्स में पत्थर है। ओके चलो अब हम आगे, आपको पता है वी हैव कम ऑन टू द लास्ट टॉपिक, डू यू ऑल नो वी हैव कम ऑन टू द लास्ट टॉपिक दैट इज मेमोरी। अब हम आ गए बच्चों लास्ट टॉपिक पे, दैट इज मेमल्स। ठीक है, मेमल्स को मेमल्स क्यों बोलते हैं पता है, बिकॉज दे हैव मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड का नाम क्या होता है बच्चों, मेमोरी ग्लैंड। जो भी बच्चे यहाँ पे जवाब दे रहे हैं ना, मैं आप सबको क्विज में देखना चाहती हूँ, मतलब क्विज में आग लगाना मेरे साथ मिलके, ठीक है, ऑल ऑफ यू शुड ब्रिंग द क्विज ऑन फायर। बच्चों जो भी बच्चे यहाँ पे जवाब देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ, निसर्ग का नाम देख रही हूँ, दानिश का नाम देख रही हूँ, इमरान का नाम देख रही हूँ, ऐश्वर्या का नाम देख रही हूँ, आई कैन सी सो मेनी ब्यूटीफुल, मानी का नाम देख रही हूँ, साइली का नाम देख रही हूँ, आप सब क्विज में रॉक करोगे सब साथ में, ठीक है, यू आर ऑल गोइंग टू रॉक विद मी इन द क्विज। इनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं इसलिए इनको बुलाते हैं मेमोरी ग्लैंड। फीमेल के पास फंक्शनल ग्लैंड होते हैं, मेल के पास वेस्टिजियल होते हैं, ठीक है, फीमेल्स हैव फंक्शनल, मेल्स हैव वेस्टिजियल। अच्छा अब आप देखना यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, हेयर प्रेजेंट ऑन स्किन, स्किन के ऊपर हेयर होते हैं, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना इज प्रेजेंट, इनका एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर टेस्टिस प्रेजेंट होती है इनके अंदर, हाय ओके, एंड इनकी गर्दन में सात सर्वाइकल वर्टेब्रा होते हैं, वर्टेब्रा मीन्स बोन्स, ठीक है, सो इनकी नेक में सात बोन्स प्रेजेंट, दीज आर सम कॉमन फीचर्स ऑफ देम। ठीक है चलो मेरे को फटाफट बता दो आप कौन से ऑर्डर को बिलोंग करते हो, ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू विच ऑर्डर, प्राइमेटा, काइरोटेरा, सेटेसी या फिर कार्निवोरा, आप इनमें से कौन से ऑर्डर को बिलोंग करते हो बच्चों, जल्दी बता दो सारे के सारे बच्चे, व्हाट ऑर्डर डू यू गाइस बिलोंग टू, ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू विच ऑर्डर, विकास, मीना, ऐश्वर्या, श्रेयांश, एब्सोल्यूटली राइट बच्चों, वी बिलोंग टू ऑर्डर प्राइमेटा अलॉन्ग विथ मंकीज एंड चिंपैंजीज, हम बिलोंग करते हैं बच्चों ऑर्डर प्राइमेटा को अलॉन्ग विथ मंकीज एंड चिंपैंजीज, एब्सोल्यूटली राइट एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया मेरे सारे डाउट, एक्सेलेंट। चलो बच्चों सो नाउ वी विल डू द क्विज, अब बहुत देर हो गई, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए बिना मार्क्स के और बिना अप्रिसिएशन के, अब क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन के लिए अप्रिसिएशन भी मिलेगा, ठीक है, so I hope first of all everybody knows about an academy ascend all india championship which is going to take place on 6th of december kal subah 11 baje, kal subah 11 baje bachcho aapka championship hone wala hai, theek hai, syllabus kya hai ma'am, kya padhe hum iske liye, apni ncrt jo bhi subject hai aapke paas, physics chemistry maths hai to physics chemistry maths pad lo, pcb hai to physics chemistry biology pad lo, sab kuch hai to pcb pcm bhi pad lo, jo subject hai uske hisab se padhna hai, theek hai, एक घंटे का एग्जाम होगा बेटा, 60 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा, पूरा का पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस इसमें आपसे पूछा जाएगा, तो गेट रेडी गाइस, रिया बेटा सेशन स्टार्ट हो गया था 5 बजे, है ना, 5 बजे अपना टाइम होता है ना यूट्यूब का, तो सेशन स्टार्टेड एट 5 PM, तो सारे बच्चे रेडी हो जाओ। अच्छा आप बहुत सारे बच्चे मुझसे टाइम पूछ रहे, बेटा मैं यूट्यूब पे क्लासेस लेती हूँ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को शाम को 5 बजे बायोलॉजी, ठीक है, उसके अलावा बच्चों I also take free classes on Unacademy app. मैं Unacademy app पे free classes लेती हूँ, वो मैं लेती हूँ रात में 9 बजे, आज रात 9 बजे भी लेने वाली हूँ, और आज रात की free class में मैं frog पढ़ाने वाली हूँ, मेंढक, ठीक है, today we'll be studying frog, ठीक है, तो आज रात हम सब साथ में बैठ के frog पढ़ने वाले हैं और frog से दोस्ती करने वाले हैं, ठीक है, मतलब how many of you are scared of frogs, पहले तो सारे बच्चे बता दो, कितने बच्चों को डर लगता है frog से, How many of you are scared of frogs? कि मैम थोड़ा सा scary होता है frog. अरे दानिश यार रुक तो जाओ यार दानिश, 2 मिनट बात तो करने दो, 2 वक्त मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ बात तो कर लू, है How many of you are मेंढक? Yes, Roy Jangir, मेंढक. निसर्ग, it is asked sometimes in exams, कभी कभी इसके questions पूछे जा सकते हैं, ठीक है, that is why we are studying.
स्केयर्ड आफ्टर टुडे यू वोंट बी स्केयर्ड। आज के सेशन के बाद आप डरने आपको डरने लगने वाले हैं प्रॉपर से। आज के सेशन के बाद प्यार हो जाएगा हर एक बच्चे को, ठीक है? ओके, यू लाइक फ्रॉग साउंड, चलो दैट्स ग्रेट। बच्चों मैं आप सबको फिर से बता दूं, मैंने बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन सब पढ़ा रखे फ्री में, ठीक है? आप टॉट ऑल ऑफ दिस फॉर फ्री, मॉर्फोलॉजी भी फ्री में है ना, और बहुत सारी अमेजिंग ट्रिक्स के साथ। तो मेक श्योर बच्चों आप सारे के सारे बच्चे मेरा कोड यूज करना पीसी लाइव, और उसके थ्रू आप सारा का सारा फ्री कंटेंट अनलॉक कर सकते हो। यू कैन अनलॉक द इंटायर फ्री कंटेंट, ये सारी फ्री क्लासेस है बच्चों, ऑल ऑफ दीज क्लासेस आर फॉर फ्री, सो यू कैन अनलॉक माई कोड, ठीक है? चलो अब हम सब चलते हैं क्विज ज्वाइन करने, ठीक है? नाउ लेट्स ज्वाइन द क्विज। फिलहाल क्विज स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है? व्हाट डू गाइस से मैम, लेट्स स्टार्ट द क्विज। मैम बहुत देर हो गई बातें कर रहे हैं, तो क्विज स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो बिकॉज एनिमल क्लासिफिकेशन टॉपिक अभी क्विज के अंदर अपडेट नहीं हुआ है, तो हम लोग क्विज करते हैं सेल वाले टॉपिक की, ठीक है? लेट्स डू अ क्विज ऑन सेल। ह्यूमन फिजियोलॉजी तो रट चुका है यार, अब सबको रट चुका है, लेट्स डू अ क्विज ऑन सेल, ठीक है? सॉरी, आई होप सारे बच्चे यहाँ पे स्टेप्स देख सकते हैं, प्लीज स्टेप्स देख लो, और जिसने फोन में अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया प्लीज डाउनलोड कर लो, क्योंकि फ्री क्विज है बच्चों। दिस क्विज इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ईच वन ऑफ यू, हर एक बच्चे के लिए क्विज बिल्कुल फ्री है। ओके, तो बहुत सारे बच्चे बहुत देर से कह रहे हैं मैम कोड बता दो, कोड बता दो। सो द कोड टू ज्वाइन द क्विज इज 349595, ये है बेटा क्विज को ज्वाइन करने का कोड, ठीक है? सेल के ऊपर क्विज है, मजा आने वाला है, सारे बच्चों को प्रक्षम के साथ में बैठ के क्विज सॉल्व करते हैं। व्हाट डू यू से गाइस, आ जाओ सारे बच्चों। बाहर से नहीं आएगा मंतशा, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? अगर आया तो वो एनसीईआरटी के अंदर से ही आएगा, जो आप आज के सेशन में पढ़ रहे हो उसी में से आएगा, ठीक है मंतशा? सुशांत अगला चैप्टर बेटा कहाँ पर कौन सा पढ़ाओगे? आपको पता है बहुत सारी जगहों पर अलग अलग चीजें चल रही है, जैसे मैं प्लस पे पढ़ा रही हूँ, अब नेक्स्ट चैप्टर लोकोमोशन हड्डियों के बारे में पढ़ाऊंगी, स्पेशल क्लास में मैं डाइजेशन पढ़ाऊंगी अगला चैप्टर। यूट्यूब पे फिलहाल का कोई प्लान नहीं है, मैं आपको बता दूंगी व्हाट एवर आई डिसाइड नेक्स्ट, ठीक है? निसर्ग वी डोंट हैव अ मेंटी बेटा, आपको अनअकैडमी ऐप पे क्विज को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है? इट्स नॉट अ मेंटी क्विज, यू विल हैव टू ज्वाइन द क्विज ऑन द अनअकैडमी ऐप। तो जल्दी आ जाओ यार सारे के सारे बच्चे। यस रॉय, आई ऑल्सो लव क्विजेस, सो जस्ट आ जाओ फटाफट, लेट्स सी आज की क्विज में कौन जीतता है, कौन बनता है हमारा सेल का बादशाह, लेट्स फाइंड आउट गाइस। टू स्टूडेंट्स हैव जॉइंड, यार इतने सारे बच्चे हैं क्लास में और केवल दो बच्चे आए क्विज में, ऐसा थोड़ी ना चलता है, इतने सारे बच्चे नजर आ रहे हैं, टेस्ट तो करके देखो, फ्री क्विज है, डजंट एक्चुअली मैटर। ओके, फोर स्टूडेंट्स हैव जॉइंड, सो आई थिंक बात बन रही है, बच्चे समझ रहे हैं कि मैम क्विज को ज्वाइन करना है। फोर स्टूडेंट्स हैव जॉइंड, बाकी के बच्चे भी जल्दी आ जाओ यार, एवरीबॉडी एल्स, आई कैन सी सो मेनी स्टूडेंट्स लाइव, 23 आर लाइव। नहीं बेटा मेंटी पे नहीं है अमरनाथ, आपको फोन आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अपने फोन के अंदर। गुड इवनिंग बसंती बेटा, प्लीज ज्वाइन द क्विज। प्रियांश हैज ज्वाइन द क्विज, दैट्स ग्रेट। प्रशांत यूट्यूब पे नहीं, अनअकैडमी ऐप पे जाके क्विज ज्वाइन करने पड़ेगी, है ना बच्चे? प्रशांत यू विल हैव टू ज्वाइन द क्विज ऑन अनअकैडमी ऐप। अच्छा YouTube पे क्या पढ़ाऊंगी, एट द मोमेंट आई एम नॉट श्योर, आई लेट यू नो। अमरनाथ पूरे के पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं बेटा आपके सामने, आपको अपने फोन के अंदर अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, उसके अंदर अपना गोल सेट करना है क्लास 11, वहां पे आपके पास ऑप्शन आएगा प्लस का, प्लस में जाना, वहां पे टेस्ट का ऑप्शन आएगा, वहां पे जाके ज्वाइन क्विज करना, और ज्वाइन क्विज करोगे तो वो आपसे कोड पूछेगा, तो कोड ये रखा आपके सामने 349595। तो जल्दी आ जाओ सारे बच्चे, एवरीबॉडी ज्वाइन पास, या फाइव स्टूडेंट्स हैव जॉइन, आई विल नॉट स्टार्ट द क्विज विद फाइव, वी शुड हैव मिनिमम 10 स्टूडेंट्स, कम से कम 10 बच्चे होने चाहिए, लेट्स हैव द मैक्सिमम स्टूडेंट्स, राइट? मजा आएगा ना, तब आपको हर किसी के साथ शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा के शेयर कर दो बच्चों, ठीक है? I was teaching biology, the session got over, but you can still join the quiz, बच्चे, ठीक है? You can still join the quiz, that is 349595 is the code. तो आ जाओ सारे बच्चे, let's get started, यार, I am waiting for all of you people. Only 5 students have joined, 5 students के साथ कैसे मजा आएगा, बाकी के बच्चे कहाँ हैं यार?
ऑल राइट बच्चों, सो 6:05 होते ही मैं क्विज स्टार्ट कर दूंगी। दोज ऑफ यू वांट टू जॉइन प्लीज जॉइन, इट्स गुड नाउ, मैं क्विज मजा आएगा आपको सो फिर सॉल्व करके, ठीक है? तो जल्दी आ जाओ सारे के सारे बच्चे, मेक श्योर यू ऑल जॉइन द क्विज एंड दैट्स इट। आई विल से गुड बाय फॉर नाउ, मैं आज रात में 9 बजे आप सारे बच्चों से मिलूंगी अन अकेडमी ऐप पे फ्री क्लास ऑन प्रॉम। वी विल बी स्टार्टिंग फ्री स्पेशल क्लास ऑन प्रॉम, ठीक है? तो आ जाओ सारे के सारे बच्चे, 6:05 पे आई विल बी स्टार्टिंग द क्विज, ठीक है? ऑल राइट बच्चो, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय। And please keep using the code PCLIVE, चाहे free content unlock करना हो, चाहे Unacademy का subscription लेना हो plus का, या फिर iconic लेना हो, make sure you use the code.